हमने पढ़ा ग्लोब पर बहुत सारी लाइन्स होती है जिनको पैरल्स और मेरेडियंस के नाम से बोला जाता है लुक एट द ग्लोब वी सी अंबर ऑफ लाइन्स ऑन इट दीज लाइन्स इमेजनरी लाइन्स दीज आर ऑफ टू काइंड जब हम ग्लोब कर देखते हैं तो उस पर बहुत सारी लाइंस होती हैं ये इमेजनरी लाइंस होती हैं मींस ये रियल में नहीं होती सिर्फ हमें दिखती हैं दीज आर ऑफ टू काइंड फर्स्ट इज लैटिट्यूड्स एंड सेकेंड इज लॉन्गिट्यूड्स दॉरिजेंटल लाइन इज कोल्ड लैटिट्यूड्स एंड द वर्टिकल लाइन आर कोल्ड लॉन्गिट्यूड्स दीज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ वेरियस प्लेस जब हम ग्लोब की बात करते हैं ग्लोब पर हम स्टडी करते हैं तो इन लाइन्स का यूज करके कोई भी हम स्पेसिफिक लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय ड्रॉइंग सच इमेजनरी लाइन ऑन ग्लोब इट बिकम सिंपल टू लोकेट अ प्लेस जब हम इमेजनरी लाइंस को इनको यूज़ करते हैं तो किसी भी लोकेशन को किसी भी जगह को ग्लोब पर दिखाना बहुत इजी हो जाता है सिंपल हो जाता है अ नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड ग्रिड और एक इस जाल को अगर दोनों लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब ग्लोब पर हम बनाते हैं तो इसको क्या बोला जाता है ग्रिड नाउ लैटिट्यूड्स और पैरल्स द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स बाई ड्रॉइंग अ लाइन मिड वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल दिस लाइन इज कोल्ड द इक्वेटर हम अर्थ की अगर बात करें एक लाइन होती है जो अर्थ को बीच में बीच में से डिवाइड करती है नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को जिस लाइन को नाम दिया गया है इक्वेटर का ओके okay? जो आप पिक्चर में आप रेड लाइन देख रहे हो मिडवे में दिस इज इक्वेटर एंड इज द लोंगेस्ट पैरल और पैरल हमारी ये लाइंस होती हैं तो सबसे लॉन्गेस्ट पैरल हमारा इक्वेटर होता है एंड द पोर्शन फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड द नर्दन हेमस्फेयर एंड द पोर्शन टू द साउथ इज द कोल्ड द सर्दर्न हेमस्फेयर और इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ का जो पोर्शन है बच्चों दिस इज़ नर्दन हेमस्फेयर और इक्वेटर से साउथ की तरफ अगर हम बात करते हैं तो इस पोर्शन को बोलते हैं सर्दर्न हेमिसफेयर डायमेंजनरी लाइन्स ड्रोन पैरल टू द इक्वेटर आर कोल्ड पैरल्स और लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड और इक्वेटर के साथ ही जो आप येल्लो कलर की ये लाइन्स देख रहे हो पैरल होती है इनको हम पैरल्स बोलते हैं या फिर लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं नौ प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिट्यूड्स फर्स्ट ऑल पैरल्स आर कंप्लीट सर्कल्स एक्सेप्ट द पोल्स विच आर पॉइंट्स जितने भी पैरल लाइन्स होती हैं वो क्या होते हैं वो कंप्लीट सर्कल होते हैं अर्थ स्वेयर में है एक गोल शेप की होती है तो जितने भी पैरल होते हैं वो क्या होते हैं सर्कल होते हैं सिर्फ पॉइंट्स को छोड़कर नॉर्थ पॉइंट और साउथ पॉइंट को छोड़कर सेकंड, ऑल पैरेलल्स आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर जितने भी पैरल लाइन्स हैं वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर लोकेटेड होती हैं पैरल्स नीदर टच नोर कट ईच अदर आपको पता ही है जो पैरल लाइन होती हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती तो वो आपस में मिलती भी नहीं है और ना ही आपस में एक दूसरे को कट करती हैं द इक्वेटर और ग्रेट सर्कल इज द लॉन्गेस्ट पैरल जो बीच में जो लाइन होती है जो अर्थ को बिल्कुल दो भागों में इक्वल डिवाइड करती है उसको इक्वेटर कहते हैं या फिर ग्रेट सर्कल कहते हैं और ये सबसे लॉन्गेस्ट पैरल होती है There are 181 parallels. How many total parallel lines? 181. The length of the parallels keeps on decreasing as we move away from the equator towards the poles. और जैसे जैसे जो हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं या साउथ पोल की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो ये लेंथ ऑफ पैरेलल है, वो कम होती जाती है क्योंकि बीच में सबसे बड़ा सर्कल होता है और पोल की तरफ जाएंगे तो वो सर्कल छोटा होता जाएगा नाउ नंबरिंग द पैरेलल्स वी स्टार्ट फ्रॉम द इक्वेटर एंड मार्क इट एज जीरो डिग्री लैटिट्यूड हम इक्वेटर से स्टार्ट करेंगे और उसको मार्क करेंगे जीरो डिग्री पर फाइन सेकेंड द नॉर्थ पोल इज रिटर्न एज नाइन्टी डिग्री नॉर्थ ये हमारा नॉर्थ पोल है दैट इज नाइन्टी डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल इज रिटर्न एज नाइन्टी डिग्री साउथ साउथ पोल को हम नाम देंगे 90 डिग्री साउथ का द अदर पैरल्स आर मार्क् फ्रॉम जीरो डिग्री टू 90 डिग्री जितने भी बाकी पैरल्स होंगे वन टू थ्री फोर अप टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड वन टू थ्री फोर अप टू 90 डिग्री साउथ हम उनको इस तरीके से नंबरिंग देंगे अपार्ट फ्रॉम द वैल्यू द दैरल्स आर ऑल्सो मार्क्स एन ओर अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन इन द हेमस्फेयर अगर हम नर्दन हेमस्फेयर की बात करेंगे तो हर एक नंबरिंग के साथ एन आएगा और अगर हम सर्दन हेमस्फेयर की पैरल की बात करेंगे तो हर एक नंबरिंग के साथ एस आएगा इफ़ parallels आर ड्रोन एट एन इंटरवल ऑफ one डिग्री देयर विल be ninety parallel इन द नर्दन hemisphere एंड ninety parallel इन द southern hemisphere। अगर हम वन वन डिग्री पर बहुत सारी पैरल ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से 90 पैरेलल आपकी नॉर्थ हेमिस्फेयर में आएंगी और 90 पैरेलल आपकी सर्दन हेमिस्फेयर में आएंगी और बीच में इक्वेटर सो so, 181 एटी वन टोटल पैरल्स इंक्लूडिंग द इक्वेटर दे आर वन एटी वन पैरल्स नो इम्पोर्टेंट पैरल इम्पोर्टेंट पैरल्स अपार्ट फ्रॉम द इक्वेटर जीरो डिग्री नॉर्थ पोल नाइन्टी डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल नाइन्टी डिग्री एस दे आर फोर अदर इंपोर्टेंट पैरल्स नेमली इक्वेटर और नाइन्टी डिग्री नॉर्थ और नाइन्टी डिग्री साउथ को छोड़कर और भी इंपॉर्टेंट पैरल्स हैं फर्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज़ ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ सेकेंड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री साउथ आर्टिक सर्कल सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री नॉर्थ एंड अंटार्कटिक सर्कल सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री साउथ ये आपकी फोर पैरल्स हैं दो आपकी नॉर्थ में आएंगी जिनके पीछे एल लिखा है और दो आपकी सर्दन हेमोस्फेयर में आएंगी जिनके पीछे एस लिखा है नाउ नाउ मेरेडियंस और लॉन्गिट्यूड Another सेट ऑफ lines which रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑन द ग्लोब आर नोन एज meridians और lines ऑफ longitude, जो पैनल्स की हमने बात की उसके अलावा भी हमारे पास और लाइन्स होती हैं ग्लोब पर जो नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करती हैं ग्लोब पर जिनको नाम दिया गया है मेरेडियंस और लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स द वर्ड मेरेडियन मीन्स मिड डे ऐट द सेम टाइम और मेरेडियन जो वर्ड है उसका मतलब है मिड डे ऐट द सेम टाइम ओके नो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स फर्स्ट ऑल मेरेडियन आर ऑफ द सेम लेंथ ये हम ग्लोब की बात कर रहे हैं ओके दिस इज नॉर्थ पोल दिस इज साउथ पोल तो मेरेडियंस और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होती हैं आपकी जो नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करती हैं। ओके फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल मेरेडियंस आर ऑफ द सेम लेंथ जितने भी ये लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होती हैं, मेरेडियन होती हैं, वो सारी सेम लेंथ की होती हैं। सेकेंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरेडियन इज एट द इक्वेटर सबसे ज्यादा जो मेरेडियन का डिस्टेंस होता है वो इक्वेटर पर होता है नेक्स्ट द लोंगीट्यूड डू नॉट रन पैरल टू ईच अदर बट मीट एट द टू पोल्स जो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है ये पैरल लाइन्स नहीं होती हैं ये नॉर्थ और साउथ पोल पर आपस में मिल जाती हैं नेक्स्ट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियन डिक्रीजेस एज वन मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूअर्ड द पोल जैसे जैसे ये पोल की तरफ जाती हैं जो इनका डिस्टेंस है वो कम होता जाता है फिफ्थ मेरिडियंस क्रॉस द पैरल्स एट राइट एंगल्स और मेरिडियन जो है वो पैरल को क्रॉस करती हैं राइट एंगल पर ये पैरल्स होती हैं तो इनको राइट right एंगल पर क्रॉस करती हैं सिक्स्थ मेरिडियंस हेल्प अस टू मेजर डिस्टेंस इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का जो डिस्टेंस है उनको मेजर करने में मेरिडियंस हमारी हेल्प करती हैं नाउ नंबरिंग द मेरिडियंस। हाउ वी कैन नंबर मेरिडियंस जस्ट एज वी टेक द इक्वेटर फॉर नंबरिंग पैरल सिमिलरली वी टेक द ग्रीन विच मेरीडियन और द प्राइम मेरीडियन और नंबरिंग द मेरेडियंस जैसे हमने इक्वेटर लिया था पैरल्स को मार्क करने के लिए ऐसे ही हम एक लाइन का यूज़ करते हैं जो कि ग्रीन विच बोलते हैं जिसको या फिर प्राइम मेरिडियन बोलते हैं मेरिडियंस को मार्क करने के लिए द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ अ प्लेस इज मेजर्ड ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरेडियन और जो भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो प्राइम मेरिडियन के वेस्ट और ईस्ट में मेजर किए जाते हैं दिस प्राइमरीडियन डिवाइड्स द वर्ल्ड इंटू टू हैमिस्फेयर्स नेमले ईस्टर्न हेमिसफेयर एंड द वेस्टर्न हेमिसफेयर जैसे इक्वेटर अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है नर्दर्न और सर्दर्न हेमस्फेयर में ऐसे ही जो प्राइम मेरेडियन हैं प्राइम मेरेडियन है वो क्या करेगा ईस्टर्न हेमिसफेयर और वेस्टर्न हेमिसफेयर दो पार्ट में अर्थ को डिवाइड कर देता है द एरिया ईस्टर्निस्फेर वाइल जीरो वन एटी डिग्री वेस्ट इज कोल्ड द वेस्टर्न हेमिसफेयर प्राइम मेरेडियन आपका जीरो डिग्री पर है ठीक है तो लास्ट आपका वन एट्टी वन एंड दिस इज ऑल्सो वन एट्टी वन तो जो भी आपकी मेरेडियंस वेस्ट uh, में आएंगी वो W आएगा और जो ईस्ट में आएंगी वो ई e आएगा ईस्टर्न हेमस्फेयर में आएंगी तो 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट इज़ द सेम लॉन्गिट्यूड एंड इज कोल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन और इस तरीके से 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट जो है वो एक सेम लाइन आएगी इसके बैक साइड में जिसको नाम दिया गया है इंटरनेशनल डेट लाइन का मेरेडियंस आर ड्रोन एट एन इंटरवल ऑफ वन डिग्री और ये भी वन डिग्री के इंटरवल पर ड्रॉ होती है दस देर आर थ्री सिक्सटी मेरी तरीके से वन एट्टी वन एट्टी कितने मेरीडियंस हैं टोटल थ्री सिक्सटी नाउ अर्थ ग्रेड अर्थ ग्रेड द पैरल्स एंड मेरीडियंस इंटरसेक्ट इच अदर एट राइट एंगल्स एंड फॉर्म अ नेटवर्क कोल्ड द अर्थ ग्रेड दिस इज द अर्थ ग्रेड जो हमारे मेरिडियंस हैं और जो राइट right एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं वो एक क्या बना लेते हैं पैरेलल और मेरिडियन जब 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक नेटवर्क बना लेते हैं एक जाल बना लेते हैं जिसको नाम दिया गया है अर्थ ग्रेड का टू लोकेट अ प्लेस वी मस्ट नो द वैल्यू ऑफ इट्स पैरल्स एंड मेरेडियंस किसी भी अगर जगह को हमें लोकेट करना है तो हमें उसकी पैरल वैल्यू का पता होना चाहिए और मेरेडियन वैल्यू का पता होना चाहिए द पॉइंट एट विच द पैरल एंड द मेरेडियन इंटरसेक्ट ईच अदर विल बी द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस और ऐसी जगह जहाँ पर पैरल और मेरीडियन उस वैल्यू के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वो उस जगह की लोकेशन होगी ठीक है तो इस ये है आपका अर्थ ग्रेड इस तरीके से हम किसी भी जगह की लोकेशन बता सकते हैं ओके बच्चों तो चैप्टर आपको समझ आया होगा इसको एक बार फिर से रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे